टेस्ट में टीम जब आप खिलाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आउट नहीं होना, आउट नहीं होना, आउट नहीं होना। तो एक बैटिंग पिच, डेड पिच, हाई स्कोरिंग गेम जहाँ 350 370 रन बन रहे हैं, वहां पे आप तो डिफेंसिव माइंडसेट आपकी चला रहे हैं। अप्रोच ही डिफेंसिव है। तो हमारे पास हिटर ही नहीं है अच्छा, आपके पास ये बैटिंग है तो सिर्फ बाहर बैठा दी, बाहर बैठा लिया है। वो कंसिस्टेंट नहीं है, इमाम कंसिस्टेंट है। आगे भाई कोई शदीद गुस्सा है बाबर नहीं तो इस सीजन पे बात ही है कि अगर लेकिन लेकिन आज देख लेना, इमाम को बोलो आज अपनी बेस्ट इनिंग खेल ले, ही वोंट हर्ट इंडिया। ही विल हर्ट अस। ये अच्छी इनिंग क्यों खेली है तुमने, आउट ही हो जाते। अच्छा जैसे वो बहुमा है उनका कैप्टन सादिक, जी जी हां जी, वो क्या ऐसा कप्तान है वो आउट हो जाए को टेंशन नहीं, तो कहते शुक्र है। जिस दिन वो अपनी बेस्ट इनिंग खेलेगा ही विल दैट एफर्ट गोज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बड़ा टोटल नहीं लगा सकते, ये बहुत ही मजे की बात किया के भाई ने। और वाकई वो कैप्टन ऐसे है कि वो इरफान पे फील ही हो दो कैप्टन, वो ऐसा मजाइल है जो अपनी तरह अपनी तरह जा जाता है। इरफान भाई टोटल क्या गेस कर रहे हैं, हम क्या पुट करेंगे? देखिए ऑब्वियसली ये उन्होंने मिस्टेक की, हमें बैटिंग दी, हमें कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था और हमने स्टार्ट भी अच्छा लेके गवा दिया। बड़ी शॉट्स नहीं की, जिस तरह आकिब भाई ने कहा कि दायरे का पर्पज ही यही, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि क्रिकेट को खूबसूरत बनाया जाए, शुरू में रन हो। जब आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते, मुझे नहीं इस माइंडसेट की समझ आ रही। T20 में भी हमने बहुत बात की, बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट कम होता है, इसमें बात कर लें तो वो टेस्ट के ओपनर जब आप डालेंगे, कोई इनोवेशन ही लेके आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे? 300 क्रॉस करेंगे? 300 तो मेरा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे ही 50 ओवर खेले तो इस विकेट पे 300 बन जाएंगे, बट ये 300 की विकेट है नहीं है, ये जितनी फ्लैट विकेट है ये 350 वाली विकेट है। और कंसीडरिंग दैट कि उन्होंने अपनी बैटिंग को और डेप्थ दी है मैक्सिमम नंबर तक, पाकिस्तान को कम अज कम भी ये 330-340 तक करना चाहिए, ये भी कम है, ये भी बट 350 की ट्राई रखते हैं तो फिर शायद आप। लेकिन अगर 340-350 होता है देन द गेम विल बी इन द बॉलर्स हैंड। उस पर मैं देख भी रहा था कि आपने जो बात की कि पाकिस्तान से फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, अभी शादाब नहीं परफॉर्म कर पा रहे। सर ने दो प्रोड्यूस किए हैं भाई, शहीन शाह अफरीदी और नहीं, मैं इस खेल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। अभी सवाल आएगा शादाब इनके खेलने जमान भी है तीनों इनकी। अच्छा देखिए इसमें ना जो रोहित शर्मा का जो मैं फैसला कहता हूँ ना, पाकिस्तान को उसने दो चांस दिए, एक बैटिंग में कि आसान पिच है, कोई प्रेशर नहीं है। सेकंड बैटिंग में क्या होता है कि आपके दिमाग में ना एक टोटल होता है, आप एक ओवर स्लो खेलते हैं तो स्कोर बोर्ड आपको कहता है कि हेलो 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 हिला मेनू। अच्छा वो तो उसका हमने फायदा नहीं उठाया। ओके ओके, जो एक एक शो रोहित की जो गलती है उससे मैं फायदा नहीं उठाया। दूसरी अभी बाकी है, सही जो जैसी इनिंग खत्म होगी लाइट्स जलेंगी, सूरज डूब जाएगा और शहीन नया बॉल पकड़ा होगा, उस वक्त जो 6 ओवर है दैट इज द की डिसाइडिंग फैक्टर। अगर वो बॉल स्विंग हुआ और दो विकेटें गिर गई तो मैच, तो यू आर इन, अदरवाइज देयर इज नो चांस। क्यों? फिर आपके पास एक ही बंदा है जो गेम को बदल सकता है, वो है हारिस। और हारिस अकेला बॉलर एक तरफ से अगर आप जितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो ना, ये मैं प्रैक्टिकली भुगत चुका हूँ। जो हम हमारा कॉम्बिनेशन होता था वसीम, मैंने नया बॉल करना है, जब वो बॉल ऐसे 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 रिवर्स की तरफ जाता था फिर वकार को ले आते थे साथ उसके, उधर से या मुश्ताक अहमद बॉलिंग कर रहा होता था या फिर सकलैन भी कर रहा होता था, तो ये हंट करते हैं पेयर्स में।